घर में दारू पीते हैं। अब घर में व्यक्तिगत काम होता है तो उसमें कौन ताक झांक करेगा। लेकिन केंद्र मंत्री हैं, वो कहते हैं कि रात में शराब। आप क्या बोलते हैं नहीं बोलते उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। कि SC ST लोगों से शराब माफिया जो है पोच जो है वो ढुलवाया जाता है, क्या ये सच्चाई है इसमें? अब इस बात को छोड़िए, अगर फैल है तो जो कहते हैं तो रोड पर पी कर दिखा दे। देखिए हम बोले थे सीतामढ़ी में जी, लेकिन कुछ लोग को परेशानी होने लगा। क्यों परेशानी हुई? ये अपने जात को बदनाम कर रहा है, लेकिन हम मेरा जो सोच था हम अपने जात की बदनाम करने के लिए नहीं। कि मामला क्या है, सही है या गलत है, अगर सही पकड़ाते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है, सही नहीं होता है तो वह निर्दोष। बिहार में लगातार शराबबंदी के ऊपर सवाल खड़े उठ रहे हैं, आए दिन कई घटनाएं सामने देखने को मिल रही है। लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी एक बयान है, उन्होंने कहा कि हम रात में शराब पीते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं। कई बयान है उनका और कई दावे भी। इन्हीं तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा हैं। जीतन राम मांझी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हम सफ़ेदपोश वाले शराब पीते हैं लेकिन पकड़े नहीं जाते, और गरीब लोगों को परेशान किया जाता है, हम रात में शराब पीते हैं, शराब पीने का वो दावा कर रहे हैं। मद्य निषेध मंत्री हैं अब मांझी साहब, बुजुर्ग हैं, वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते उसके बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, और जो लोग समीक्षा की बात करते हैं, जो लोग दारू खुलवाने की बात करते हैं, उनको बिहार की जनता एवं माता बहने करारा जवाब दिया है, आप देखें होंगे। और जहाँ तक रही सफ़ेद पोश की बात, हमारे नज़र में जो आते हैं, हम पदाधिकारी से लेकर के अपना सचिव तक उसको निर्देशित करते हैं। देखिए मामला क्या है, सही है या गलत है, अगर सही पकड़ाते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है, सही नहीं होता है तो वह निर्दोष होता है। लेकिन आज तक तो हमको पता नहीं लगा है, जब से हम मंत्री बने हैं, कितने सफेदपोश घर में दारू पीते हैं। अब घर में व्यक्तिगत काम होता है तो उसमें कौन ताक झांक करेगा। नहीं, लेकिन केंद्र मंत्री हैं, वो कहते हैं कि रात में शराब। आप क्या बोलते हैं नहीं बोलते उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। एक बयान आपका भी है, आपने कहा था कि SC ST लोगों को दारू जो है पोच वाला दारू जो है वो सप्लाई कराया जाता है, शराब माफिया के द्वारा प्रेशर दिया जाता है। देखिए हम बोले थे सीतामढ़ी में जी, लेकिन कुछ लोग को परेशानी होने लगा। क्यों परेशानी हुई? ये अपने जात को बदनाम कर रहा है, लेकिन हम मेरा जो सोच था हम अपने जात की बदनाम करने के लिए नहीं जी, उनको समझाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग को दिक्कत होने लगा तो उस बयान को हम छोड़ दिए। और हम माँ जगत जननी सीता की धरती से सीतामढ़ी शिवहर और सिवान में कार्यक्रम किए हैं, और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जिसका बेनिफिट हमको समाज के सभी वर्ग के नौजवान साथी संकल्प लेते हैं, और एक एक जो भी कार्यक्रम आते हैं एक आदमी संकल्प लेकर जाते हैं, जो 25 ठो पीने वाले को हम समझाएंगे और नशा मुक्ति केंद्र ले जाएंगे। ये खास बात आपने कही थी कि SC ST लोगों से शराब माफिया जो है पोच जो है वो ढुलवाया जाता है, क्या ये सच्चाई है इसमें? अब इस बात को छोड़िए, छोड़िए इसको, ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ,
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।